जिस तरह हम सब जानते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज को अब 100 से भी कम दिनों का समय बाकी है और जब से आईसीसी की तरफ से इस आगामी वर्ल्ड कप के शेड्यूल का अनाउंसमेंट हुआ है तब से सभी फैंस के जहन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि आखिरकार इस वर्ल्ड कप की टिकट्स को कब और कहां से बुक किया जा सकता है। आप सभी तमाम क्रिकेट फैंस को बता दिया जाए, आज सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि आईसीसी जुलाई के पहले हफ्ते में इस वर्ल्ड कप की टिकट्स को रिलीज कर सकता है, जिसका मतलब इस जुलाई के पहले हफ्ते में इस बात को कंफर्म कर दिया जाएगा कि टिकट्स की बुकिंग आखिरकार कब ओपन होगी, टिकट्स को कहां से बुक किया जा सकता है। फिलहाल आपको बता दिया जाए, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि टिकट्स को दो माध्यम से बुक किया जा सकेगा, एक ऑनलाइन माध्यम से और दूसरा ऑफलाइन माध्यम से। ऑनलाइन माध्यम से टिकट की बुकिंग कुछ वेबसाइट्स पर होगी, जिसमें से एक कंफर्म वेबसाइट है cricketworldcup.com, जो कि आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जबकि इसी के साथ में जो वेबसाइट्स बीसीसीआई की टिकटिंग पार्टनर्स हैं, जैसे कि पेटीएम और साथ ही में bookmyshow.com, इनके ऊपर भी वर्ल्ड कप की टिकट्स को बुक किया जा सकेगा। साथ ही में ऑफलाइन टिकट्स की बिक्री सीधा मैदानों पर और वेन्यूज पर जाकर भी हो सकती है। अनुमानित जरिए से ये बताया जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप के टिकट्स का दाम 800 रुपये से लेकर 10,000 रुपये से ज़्यादा तक भी जा सकता है। इन टिकट्स की वैल्यू डिपेंड करेगी किस मैदान पर कौन सा मैच है और किस टीम का वो मैच खेला जाने वाला है। तो फिलहाल के लिए बड़ा अपडेट यही है कि जुलाई के पहले हफ्ते में आईसीसी इस आगामी वर्ल्ड कप की टिकट्स को रिलीज कर सकता है। जैसे ही इस वर्ल्ड कप की टिकट्स को लेकर और अपडेट सामने आएगा वो आपको स्पोर्ट्स यारी के चैनल पर सबसे पहले बता दिया जाएगा। उसके लिए ज़रूर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और साथ ही में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा स्पोर्ट्स यारी के चैनल को।